अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंटिंग सिस्टम। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है कहां से, इंडियन काउंटिंग सिस्टम में। किसमें करना है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम एक्सपेंडेड करना है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम में। एक्सपेंडेड हमने क्या था, किसी भी चीज को सेपरेट करना, वो हमारा क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको एक्सपेंडेड करना है किसमें, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। हमने दो सिस्टम पढ़ा था, इंडियन काउंटिंग सिस्टम और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। तो हमें इसको इंडियन काउंटिंग सिस्टम में एक्सपेंडेड करना है। अब कैसे होता है एक्सपेंडेड इंडियन काउंटिंग सिस्टम में, देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 × 10, ऊपर फिर देखो यहाँ ऊपर फिर 10 दिया था। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं पावर। क्या पढ़ते हैं इसको, उसकी पावर। तो ये बोल रहा है 5 × 10, 10 की पावर 10, 5 × 10 की पावर 10 प्लस 0 × 10 की पावर 9 प्लस 3 × 10 की पावर 8 प्लस 2 × 10 की पावर 7 प्लस 0 × 10 की पावर 6 प्लस 1 × 10 की पावर 5 प्लस 7 × 10 की पावर 4 प्लस 2 × 10 की पावर 3। हमें क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को हमको किसकी फॉर्म में लिखना है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम के फॉर्म में लिखना है। अब इसको इंडियन काउंटिंग सिस्टम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका हमारा चार्ट बनाएंगे। वही इंडियन काउंटिंग सिस्टम का चार्ट क्या होता है, 1s, 10s, 100s, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये तो हमारा इंडियन काउंटिंग सिस्टम का हो गया। अब हमने इसको अरब और 10 अरब का क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास पावर कितनी है, 10 है, तो उस हिसाब से हमारा आगे चार्ट जाएगा। अब देखते इसको फिर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से चालू करेंगे, पीछे से चालू करते हैं। तो भाई 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, हमने यहाँ कंप्लीट इसको लिख लिया। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखो 5 की पावर कितनी है, 10, मतलब कितने हमें 10 बॉक्स बनाने। तो ये तो हमारे वंस की फॉर्म में होता है, तो इसको छोड़ के यहाँ 10 से हमको 10, क्योंकि 5 की पावर कितनी है, 10 है, और ये हमारे कौन से फॉर्म में होता है, वंस के फॉर्म में होता है। तो हमको उसके नेक्स्ट, मतलब यहाँ 10 से यहाँ से हमको 10 बॉक्स काउंट करने, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 10 है, तो हमें 10 बॉक्स काउंट करने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, हमने 10 बॉक्स काउंट कर लिए। हमने 10 से इसलिए काउंट किया क्योंकि वंस, वंस तो उसकी पावर 1 होगी, कुछ नहीं होती उसकी पावर, उसके हम इसलिए 10 से हमने 10 बॉक्स काउंट कर लिए। आप देखो 5 की पावर कितनी है, 10 है, 5 की पावर कितनी है, 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 बॉक्स देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे 10 बॉक्स यहाँ पर आया हमारा, तो हमने यहाँ पे 5 उतार लिया। क्लियर। अब ये 0, 10 की पावर 9, 10 की पावर कितनी है, 9, तो 9 के बॉक्स में क्या लिखेंगे, 0, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0। अब बोल रहा है 3 की पावर कितनी है, 3 × 10 की पावर कितनी, 8, 8 को हम क्या लिखेंगे, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3। अब क्या है, 2 की पावर में 10 कितना है, 7, तो मतलब 7 बॉक्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। 6 नंबर पे हमने 0 लिख दिया, 5 नंबर पे 1, 7 नंबर पे 4 नंबर पे 7, 3 नंबर पे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर पे 2 था, तो 1, 2, 3, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। हम 1s को काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, हमने 3 नंबर पे 2 लिख दिया, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास अभी 1s, 10s और 100 की प्लेस पे आगे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में भी वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो वहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे, 0। तो यहाँ से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया इंडियन काउंटिंग सिस्टम में, कि बॉक्स के हिसाब से हमने इसको फिलअप किया, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन है, उसमें इंडियन सिस्टम काउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंडेड करना था। यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, उसको आपको एक्सपेंडेड करना है। तो हमने इंटर में पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या हमारे पास है, 6, 2, 3, 9, 5, 7, 2, 2। अब इसको पढ़ते कैसे, तो 1s, 10s, 100s, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो 6 करोड़, 23 लाख, 95,000,
वन में 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 के पीछे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर क्या पे है यहां पे 9, तो 9 के पीछे कितने लगेंगे 1 2 3 4, फिर क्या है पे 5, 5 के पीछे कितने डिजिट है 3, तो 1 2 और 3, तो हमने लगाया 1 2 और 3। उसके बाद क्या है 7, तो 7 के पीछे कितने डिजिट है 2, हमने लगाया 2 0, फिर क्या है 2, 2 के पीछे कितने डिजिट है 1, तो हमने लगाया 1 0, फिर क्या है 2, उसके पीछे कितने डिजिट है 1, तो हमने लगाया 1 0। अगर हम इसे चेक करना है कि सही है गलत, तो देखो इसको सबसे पहले 6 पीछे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद कितने है यहां पे 7 0 है, उसके बाद कितने है यहां 6, यहां 5, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, और ये 1s के फॉर्म में, मतलब अगर हमारा फ्लो कंटिन्यू चल रहा है 7 6 5 4 3 2 1, तो हमने जो एक्सपेंडेड किया है वो हमारा सही है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया, जो नंबर हमारे पास गिवन था हमने उसको सेपरेटेड किया, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास में, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल काउंटिंग। क्या करना है हमें इसको एक्सपेंडेड करना है, किससे, इंटरनेशनल काउंटिंग से। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, हमें एक्सपेंडेड करना था इंडियन काउंटिंग से, और यहां पे हमें एक्सपेंडेड करना है इंटरनेशनल काउंटिंग से। वापस पढ़ाना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, आपको एक्सपेंडेड करना था इंडियन काउंटिंग सिस्टम में, लेकिन हमारा 6 क्वेश्चन है आपको एक्सपेंडेड करना इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। हमने दोनों में डिफरेंस देखा था। इंटरनेशनल काउंटिंग में क्या होता है, 1, 10, 100, 10,000, 10 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, arab, 10 arab, लेकिन इंटरनेशनल काउंटिंग में क्या होता है, तीन तीन के पेयर होते हैं, जैसे 1s, 100, 1000, 10,000, 100,000, billion, 10 billion, 100 billion, million, 10 million, or 100 billion. तो ये हमारे इंटरनेशनल काउंटिंग में तीन तीन के पेयर होते हैं, और इंडियन सिस्टम काउंटिंग में दो दो के पेयर होते हैं, और दोनों में डिफरेंस ये होता है, इसमें लेख 10 lakh crore 10 crore आता है, इसके अंदर बिलियन 10 billion, 100 billion, मिलियन और 10 million आता है, ठीक है। ये तो होगा इन दोनों का डिफरेंस। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × 10^5 + 2 × 10^5 + 5 × 10^3 + 4 × 10^2 + 9 × 1। अब इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास में पावर 10 है, फिर 5y, फिर 3i, फिर 2y, तो हमारे पास में 9, 8, 7, 6, ये हमारे पास में पावर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में सबकी पावर गिवन थी, लेकिन हमारे 6 क्वेश्चन में सिर्फ 10 के बाद डायरेक्ट 5 की पावर आ गई है, तो हमारे पास में 9, 8, 7 और 6 इनकी पावर हमारे पास में गिवन नहीं है। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, हमने पहले ही कहा था अगर किसी भी डिजिट की पावर गिवन नहीं होती है हमारे पास में, या वो वैल्यू गिवन नहीं होती, तो उसकी जगह हम क्या मेंशन करेंगे, 0। तो सबसे पहले हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं, वही 1s, 10s, 100, 1000,